दोस्तों आप देख रहे हैं गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल और आज हम आपको दिखा रहे हैं एक अच्छी क्वालिटी होलस्टीन फ्रीशियन काऊ। ये लगभग 75% प्योर मानी जा सकती है। अब आप इसकी पहचान के लिए किन किन चीज़ों को नोट करेंगे वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो अडर के ऊपर वैन दिख रही है ये आपको हर गाय में नहीं मिलेंगी, ये आपको किसी किसी रेयर गाय में मिलेंगी और जिस गाय के अंदर ये मोटी वैन, जितनी मोटी वैन होगी उतनी उसकी दूध की प्रोडक्शन अच्छी होगी। उसके बाद सेकंड नंबर आता है ये थनों के गैप का। ये जो थनों का गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी गाय की क्वालिटी और गाय का दूध बढ़ेगा, क्योंकि जितना ये गैप ज़्यादा होगा उतनी अडर की लंबाई और ऊपर अडर ये पीछे से शुरू कहाँ से हो रहा है ये आपको देखना है। इसको गाय को ब्याने में अभी लगभग 15 दिन बाकी हैं और 15 दिन के अंदर ये अडर कितना बनाएगी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद सोचिए। और बाकी रही बात, इस गाय को दो बार ये ब्या चुकी है, अब ये तीसरी बार ब्याने वाली है और इसका दूध का रिकॉर्ड लगभग 42 किलो बताया गया है। और अगर इसकी इस तीसरे ब्याह में सेवा अगर अच्छी हो जाए तो 45 से 50 किलो दूध देना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सेवा संभाल से मेरा मतलब ये है कि जिस जगह पे गाय को रखा जाता है उसका टेम्परेचर उस जगह का 30 डिग्री से ऊपर ना हो। 30 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रोडक्शन निश्चित ही डाउन होने लग जाती है। हम आप ये देखेंगे कि ये जो वैन है ये इसके ब्याने के बाद में अगर आपको मैं दोबारा वीडियो बना के इसको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वैन कितना डेवलप करते हैं और ये जो थनों का गैप है जब ये पूरा अडर बन जाएगा तो कितना आएगा। इस वक्त आप देखिए इसका अडर यहाँ से शुरू हुआ है और ये कहाँ तक जा रहा है पीछे। और ये जो इसकी मेन वैन है इसकी कंडीशन देखिए, ये वैन जिस गाय की जितनी मोटी होगी उतनी वो दुधारू निकलेगी। और ये गाय, इस गाय को लगभग ये 1,25,000 की इसकी डिमांड है। बाकी प्राइस नेगोशिएबल हैं और प्राइस के लिए आप इसकी बात इनके ऑनर के साथ कर सकते हैं, जिनका ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं ये एक और गाय जो कि ये दूसरी बार ब्याने वाली है, एक बार ब्या चुकी है। अब इसके जो थनों के गैप है ये देखिए, ये गैप काफी ज्यादा है, लगभग ये 8 इंच के लगभग ये गैप इस टाइम पे दिख रहा है। और अगर अगले थनों के ये गैप के लिए बात करें तो लगभग ये 1 फुट के करीब है। और इस गाय को ब्याने में भी अभी कम से कम 10 से 12 दिन बाकी हैं और ये भी एक दुधारू गायों में से एक है। इसकी वैन को आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेशल वैन है। इस तरीके की वैन जो है ये बहुत ही कम गायों में मिलती है। ये गाय जो है इसका हमने दांत चेक किए हैं जो कि अभी 6 दांत है और 6 दांत गाय जो है अभी 8 दांत जब तक इसके नहीं होते हैं जब तक इसकी प्रोडक्शन बढ़ती रहती है। ये भी एक इसकी निशानी मानी जाती है। और इस गाय का लगभग 25-26 किलो का पिछला रिकॉर्ड रहा है। अब आने वाले टाइम में कितना बढ़ेगी ये एक देखने वाली बात है। लगभग ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे ये 32-33 किलो दूध इसको हर लगाना चाहिए। बाकी अब ये इसके अंदर इसकी सेवा संभाल बहुत ज़रूरी मेंटेन करती है कि जो भी इनको पालता है वो इनको मिनरल मिक्सचर वगैरह का, ग्रीन फोडर का और टेम्परेचर का वो कितना ध्यान मेंटेन करते हैं, बाकी साफ़ सफाई में कितना ध्यान देते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है।